चलो, गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग चैंपियंस. दिस अंकुश, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, टीचिंग फ्रॉम 10 इयर्स. यू ऑल नो मी नाउ. नया टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोगों ने. वेक्टर से टॉपिक कल कंप्लीट किया और अब ये नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज लाइन एंड प्लेन. बच्चों, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड सिंपलेस्ट टॉपिक. अगेन, लाइन और प्लेन जो टॉपिक है ना, वेटेज बहुत रखता है. इफ यू नो कितने मार्क का वेटेज रखता है, पता है आपको? ये 10 to 12 मार्क्स बोर्ड्स में, ये 10 to 12 मार्क्स का वेटेज, मतलब हाईएस्ट वेटेड टॉपिक है ये, लाइन एंड प्लेन. ठीक है, और एट द सेम टाइम डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है. कुछ पार्ट इसमें से रिड्यूस हो चुका है, तो वो मैं बताऊंगा जैसे जैसे हम पढ़ेंगे. तो रिड्यूस सिलेबस क्या है क्या नहीं, वो सब. चलो शुरू करते हैं फिर, है ना? लेट्स बिगिन. करें शुरू? आर यू ऑल रेडी? सब लोग रेडी हैं ज्वाइन करने के लिए? ठीक है, यस. चला चला, ओके. स्टार्ट करते बच्चों. वेरी नाइस. इंटरेक्ट करते रहिएगा सब लोग, है ना? जितने भी लोग हैं थोड़ा इंटरेक्शन बढ़ाते रहिएगा अपना. चलो, तो नाउ लाइन एंड प्लेन. अच्छा, उससे पहले मैं एक बात बताऊं. हाँ, नून एकेडमी में एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, विच इज पावर सेशंस. ओके, तो एवरी सैटरडे संडे, है ना, एवरी सैटरडे संडे यू विल गेट सेशंस, है ना, जो आपको मैनेज कर, मतलब डिफरेंट चीजों के बारे में बताएंगे. जैसे कि 30 डेज स्ट्रेटेजीज टू स्कोर 100%, हाउ टू मैनेज टाइम, व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट टू स्किप, हाउ टू सॉल्व फास्ट, हाउ टू रिवाइज, हाउ टू लर्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, इंप्रूव प्रेजेंटेशन, लास्ट मिनट रिविजन स्ट्रेटेजी. बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे, है ना, जो हम जैसे कुछ अच्छे अच्छे टीचर्स आप लोगों को एक्स्ट्रा सेशंस देंगे. सो दिस विल बी कॉल्ड एज पावर सेशंस. तो स्टे ट्यून्ड बच्चों, नोटिफिकेशन आएगा टाइमिंग को लेकर आपको, कि कब है क्या है, बट इट विल गेट स्टार्टेड सून. ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी. अच्छा है ना ये? ग्रेट, यस, दैट्स अमेजिंग. यस, बहुत कुछ अच्छा मिल रहा है. डोंट यू फील कि यार ये नून एकेडमी इज राइट, बहुत फायदा कर दिया आपको? इट इज लाइक बून इन डिस्गाइज फॉर यू, है ना. आखिरी 2-3 महीने में आपकी प्रिपरेशन का लेवल काफी अच्छा कर दिया इन्होंने, क्योंकि बोर्ड्स की तरफ टारगेट करने वाले बहुत कम थे और इन्होंने बहुत बहुत अच्छा, राइट, ये सेशन लाए हैं. डू यू अग्री विथ मी ऑल ऑफ यू? यस, है ना, या नाइस. चलो, सो अब हम स्टार्ट करें. बातें बहुत कर लिए सर, चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन के बारे में. बच्चों, जब भी लाइन या प्लेन पढ़ेंगे हम लोग, ये टॉपिक 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. मैं इसको हमेशा, यस, 10 to 12 मार्क्स विथ ऑप्शंस, ना ऐसा होता है. तो जब भी हम टॉपिक पढ़, लाइन ये टॉपिक पढ़े, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम. पहला पार्ट होगा इक्वेशंस, लाइन की बात हो या प्लेन की बात हो. फिर सेकेंड पार्ट होगा हमारा एंगल, और थर्ड पार्ट होता है डिस्टेंस. बच्चों ठीक है, तो 3 चीजें हमें पढ़नी है. हमें पढ़ना है कि इक्वेशंस कैसे लाते हैं लाइन में, फिर एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे आता है, डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे हम लोग कि डिस्टेंस दो लाइन के बीच में है, और अलग अलग कॉन्सेप्ट. सेम प्लेन में भी, तो लाइन हो या प्लेन हो, सब में ये 3 सेक्शंस पढ़ने हैं हमको. हाय श्रेयोशी, गुड इवनिंग बेटा. जब अभी स्टार्ट ही हो रहा है बच्चों, राइट, अब हम पहली लाइन, पहला राइट, अभी हमारा पहला स्लाइड ही आने वाला है. ठीक है, सो ये 3 बातें हम लोग पढ़ेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अच्छा, 2D में हमने, जब हम 2D ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, बच्चों ने लाइन की इक्वेशंस पढ़ी थी अलग अलग, आप लोगों को याद है क्या? अगर आपको स्लोप दिया है, पॉइंट दिया है, तो देयर वाज स्लोप पॉइंट फॉर्म. याद है आपको स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या था? वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन. हाई निकिता, आप नए हो, वेलकम टू द क्लास बच्चा. आप नए हो, अगर कोई चिंता वाली बात नहीं है ना, सारी चीज आपको समझनी चाहिए और समझेगी, डोंट वरी. आपको जब भी लगे कि कुछ समझ नहीं आया है, तो आप पूछ सकते हो मुझे. ठीक है, आप मैसेज कर सकते हो, एक हैंड रेज का भी ऑप्शन दिखेगा आपको. अगर वो हैंड वाले मार्क पे आप क्लिक करते हो, तो यू कैन टॉक टू मी बेटा. तो उस पर अगर आपने क्लिक किया, तो आप मुझसे बात भी कर सकते हो, ऐसा नहीं सिर्फ चैट. ठीक है, ओके, चलो वेलकम अगेन, है ना बच्चों. तो ना मैं कह रहा था कि हम लोग 2D का स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. स्ट्रेट लाइन हमें कुछ भी नहीं हुआ है ना, जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो 3D स्टार्ट भी नहीं किया. 2D का जो स्ट्रेट लाइन है, आपको पता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस 2D में, सर, अलग अलग इंफॉर्मेशन के लिए अलग अलग लाइन होती है, इक्वेशन होती है. तो स्लोप पॉइंट फॉर्म ऐसा होता है, आप सबको याद आ रहा है ये, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन, करेक्ट. फिर अगर टू पॉइंट फॉर्म कहूँ, टू पॉइंट फॉर्म, तो वो क्या था बच्चों? तो वो था वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन.
सब हमने पढ़ा हुआ है, आप लोगों को याद आती है बात? यस, एच जे कहता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये जनरल फॉर्म है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। सब बच्चों को ये सारी चीजें याद है, थोड़ा सा याद आ रहा है हल्का सा कि हाँ सर स्ट्रेट लाइन में ऐसा कुछ पढ़ा था। आप लोगों ने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा होता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो जैसे जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है वैसे वैसे आपकी इक्वेशन बदलती है, करेक्ट? यस बच्चों, तो ये सारी बातें, बहुत सारे फॉर्म्स थे ऐसे। तो वैसे ही हम लोग जब थ्री डी में बात कर रहे हैं, जब हम थ्री डी में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इक्वेशन डिपेंड करता है कि क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, राइट? हाँ हमित, वो पेयर ऑफ लाइंस है, ठीक है? अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ स्ट्रेट लाइन। सो लेट्स बिगिन विद लाइंस इन 3D। लाइंस इन 3D, 3D कह रहे हो सर आप? जब मैं 3D कह रहा हूं तो तीन डायरेक्शंस दिखाने पड़ेंगे, करेक्ट? तो चलिए तीन डायरेक्शंस दिखाते हैं। ओके बच्चों, तो ये जो है ये तीन डायरेक्शंस हो गई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और ये जो पॉइंट जहां ये तीनों मिल रहे हैं ये हमारा ओरिजिन है। Got it, बच्चों? तो x, y, z और origin. अब अगर मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए, तो ये रेड कलर की जो लाइन है ना, इसका इक्वेशन निकालना है मुझे। क्या करना है? इसका इक्वेशन निकालना है मुझे, ठीक? हर्ष, पिछले स्लाइड की जरूरत ही नहीं है ना बेटा, कोई रिक्वायर्ड नहीं। यही पहला स्लाइड है हर्ष, इफ यू वॉन्ट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, बट ये बस ऐसी था 2D का, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन वगैरह वगैरह वगैरह, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, है ना? बस कि भाई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस कैसी होती है, बस बताने का तरीका था। ओके बेटा, नाउ तो अब बात करते हैं लाइंस इन 3D। सबको समझ में आ रहा है कि ये जो लाइन L है इसका इक्वेशन निकालना है मुझे। हाँ बच्चों, लाइन L का इक्वेशन निकालना है। कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी होगी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए। सो लेट्स अज्यूम ये पहला फॉर्म जो है ना इक्वेशन में, इक्वेशन आपका हेडिंग रहेगा इक्वेशन ऑफ लाइन, और ये पहला फॉर्म जो है, पहला फॉर्म इसको कहेंगे हम पॉइंट और डायरेक्शन दिए, एंड DRS आर गिवन, और पॉइंट एंड DRS आर गिवन। बच्चों हमें इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है, लेट्स से दैट पॉइंट इज A, लेट्स से दैट पॉइंट इज A, ओके? वेक्टर के फॉर्म में A को कैसे लिखोगे आप? A बार लिखोगे, है ना? तो वेक्टर A बार ये पॉइंट है। बच्चों आपको एक पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है, इससे क्या दिया हुआ है, एक पैरेलल वेक्टर, है ना? लाइन के डायरेक्शन दिया है, मतलब क्या, एक पैरेलल वेक्टर दिया है B। So therefore we are given with a point and a parallel vector b bar is given. ठीक? So now we want equation of line. हमें क्या information दी है? एक point दिया है और एक parallel vector दिया हुआ है, right? Point and parallel vector, ये दोनों चीजें दी हुई है। आप सब लोग लिख रहे हो मेरे साथ साथ, ठीक है? Point and parallel vector is given. So now हमें equation of line चाहिए। बच्चों equation of line का मतलब क्या? कि हमें लोकस चाहिए सारे पॉइंट्स का जो लाइन के ऊपर रह रहे हैं। तो हम एक जनरल पॉइंट पकड़ेंगे बच्चों P, इसका पोजीशन वेक्टर हमने R बार ले लिया। तो क्या आप सब लोग समझ सकते हैं कि AP वेक्टर बनेगा, एंड AP वेक्टर विल बी पैरेलल टू B वेक्टर। डू यू अंडरस्टैंड दिस बच्चों, फ्रॉम फिगर? सब बच्चे बोल रहे हैं फ्रॉम फिगर AP वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर। व्हाट डू यू ऑल से, समझ में आ रही है बात? एपी वेक्टर दिख रहा है सबको? बहुत बढ़िया, है ना? वेरी नाइस। एपी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। आप है ना स्माइल का फेस क्लिक कर सकते हैं अगर आपको समझ में आ जाता है तो। एपी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, पी, राइट? तो अगर पैरेलल है बच्चों तो एपी विल बी सम मल्टीपल ऑफ बी, पैरेलल कोलिनियर। ये होता है ना कि एक वेक्टर दूसरे से मल्टीपल होता है तभी उनको हम पैरेलल कहते हैं, करेक्ट? यस, अच्छा स्केलर मल्टीपल होता है, एग्जैक्टली। तो हियर लैम्बडा कैन बी एनी रियल वैल्यू, ठीक है बेटा? अब AP वेक्टर को कहना है, राइट? AP वेक्टर को क्या लिख सकते हो बेटा? R बार माइनस A बार इज इक्वल टू लैम्बडा B बार, है ना? इट इज इक्वल टू लैम्बडा B बार। तो यहां से मैं जो निकाल रहा हूं, ये पूरा इक्वेशन किसके निकाल रहा हूं मैं? जनरल पॉइंट के लिए, जो कि हमारा P है। तो यहां से R बार कम्स आउट टू बी इक्वल टू A बार प्लस लैम्बडा B बार, A बार प्लस लैम्बडा B बार। दिस इज नथिंग बट वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इसे क्या कहा जाता है? वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है? ऑल ऑफ यू, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गया हमको, राइट? दिस इज फर्स्ट पॉइंट एंड पैरेलल वेक्टर इज गिवन। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज नथिंग बट आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। यहाँ पे ए बार क्या है? पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है? हियर ए बार इज नथिंग बट पॉइंट ऑन द लाइन, और बी बार क्या है बच्चों? पैरेलल वेक्टर, है ना? अ वेक्टर विच इज पैरेलल टू द लाइन, सो दिस इज नथिंग बट पैरेलल वेक्टर। सबको समझ में आई कहानी?
हाय जायद, है ना, सबको समझ में आई कहानी? है ना, क्या है, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी थी हमें, तो लाइन की इक्वेशन निकालनी थी। क्या क्या दिया है सर मुझे? मुझे दिया हुआ है एक पॉइंट ऑन द लाइन और एक पैरेलल वेक्टर। ठीक है, अब एक पॉइंट दिया था हमने, एक जनरल पॉइंट ले लिया पी, क्योंकि लाइन की इक्वेशन मतलब ऐसे सारे पॉइंट कुछ रिलेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो पी हमने एक जनरल पॉइंट लिया बच्चों। एपी वेक्टर दिख रहा है हमें यहाँ पे, तो एपी वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर फ्रॉम फिगर, तो देयरफॉर एपी इज सम मल्टीपल ऑफ बी, स्केलर मल्टीपल ऑफ बी। एपी को हम आर बार माइनस ए बार लिख सकते हैं, दैट गिव्स अस आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार। समझे बच्चों? तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं वेक्टर फॉर्म में लिखा, इसलिए वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। सब लोग लिख लेंगे प्लीज, ऑल ऑफ यू राइट इट डाउन, और लिख लिया अगर तो मुझे थोड़ा मैसेज कर दीजिए, सर वी आर डन। ठीक है निकिता, समझ आ रही बेटा? ओके बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये ना, आज आखिरी तक रहिएगा और सारी चीजों को ना अच्छे से लिख, आप बहुत मजे से पढ़ोगे, बहुत मजे से समझेगा आपको ये। यस सुदर्शन, है ना, हो गया, वेरी नाइस। चलो तो ये क्या वेक्टर इक्वेशन, अब इसी को हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहते हैं बच्चों ना, कार्टेशियन इक्वेशन। देखो अगेन वो लाइन जो है, हाय अथर्व गुड इवनिंग, वो लाइन के ऊपर आपको एक पॉइंट दिया था, इस बार कार्टेशियन इक्वेशन मतलब इस पॉइंट को हम ले लेंगे एक्स वन वाई वन जेड वन। कार्टेशियन का मतलब होता है सारी चीज एक्स वाई जेड में लिखना। ठीक है, एक पी जनरल पॉइंट लेते हैं बेटा, हम जनरल पॉइंट को हम लेते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, एक पैरेलल वेक्टर दिया होता है बच्चों हमें, लेट्स से कि पैरेलल वेक्टर जो दिया है ना वो है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, दिस इज अ पैरेलल वेक्टर गिवन टू अस। ओके, तो पॉइंट दिया है, पैरेलल वेक्टर दिया है, ये सब दिया हुआ है, तो हम क्या फिर से वही कहानी आएगी कि एपी इज पैरेलल टू वेक्टर बी। तो बच्चों एपी इज सम मल्टीपल ऑफ बी, यही बात होगी। तो आपको पता है इनके डायरेक्शन रेशियोज जो है, अगर पैरेलल वेक्टर है तो इनके डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं, करेक्ट ना, फॉर पैरेलल वेक्टर्स, ये कहानियां पढ़ी हुई हमने ना, डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे, पढ़ा है ना बच्चों हम लोगों ने ये डायरेक्शन रेशियो वाली बात। ये जो लाइन वेक्टर एपी है, एपी के डायरेक्शन रेशियो कौन बता सकता है मुझे? व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एपी, कौन बताएगा मुझे एपी के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे बच्चों? चलिए बताइएगा, ए और पी दोनों के पॉइंट्स बताए, डायरेक्शन रेशियो कैसे आते हैं? वेरी नाइस, यस, एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन एंड जेड माइनस जेड वन, वेरी नाइस बेटा कोमल। ठीक है, वैसे ही वेरी नाइस एच जे, वैसे ही जो वेक्टर बी है मतलब जो पैरेलल वेक्टर है उसके डायरेक्शंस क्या है बेटा? ए बी सी, तो देयरफॉर दे आर पैरेलल, तो इनके जो डायरेक्शन रेशियो है वो कैसे होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे, सो देयरफॉर इट कम्स आउट टू बी एक्स माइनस एक्स वन बाय ए is equal to y minus y1 by b is equal to z minus z1 by c. This is Cartesian equation of a line. ये क्या है बच्चों? Cartesian equation of line है. So where x1, y1, z1 is point on the line and a, b, c are directions of a parallel vector. या line के directions. Understood? हाँ सब बच्चे समझ रहे हैं मेरी बातें? ठीक है? है ना? Very good, very good. बहुत सिंपल टॉपिक रहेगा ये, बस स्टे टिल द एंड, है ना, लेक्चर पूरा आखिर तक अच्छे से सीखिएगा और लिखते रहिएगा नोट्स जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत अच्छे रूपाली, ये सेकेंड पॉइंट रहा मेरा, है ना, डन एज, वेरी नाइस बेटा। और एक दो बच्चे डन बोल दो अगर हो गया है तो, फिर हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, नहीं हुआ है तो फिर रुकेंगे। ओके गुड नाइस, तो अब बहुत बढ़िया है ना, सबका ही हो गया ऑलमोस्ट। अब देखो एक और बात, देखो जो जनरल पॉइंट है मतलब ये पी क्या है बेटा, यहाँ पे जनरल पॉइंट ऑन द लाइन है ना पी, तो एक्स वाई जेड इज जनरल पॉइंट। अगर मुझे जनरल पॉइंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम? सो मेरा थर्ड पॉइंट है ना, जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, अगर लाइन के ऊपर जनरल पॉइंट देखना हो मुझे तो यार लाइन की इक्वेशन एक्स माइनस एक्स वन बाई ए है, वाई माइनस वाई वन बाई बी है एंड जेड माइनस जेड वन बाई सी है ना बच्चों, तो मुझे चाहिए क्या? जनरल पॉइंट चाहिए सर, जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड है यहाँ, दिस एक्स वाई जेड इज नथिंग बट जनरल पॉइंट, तो हाउ डू आई गेट इट? तो वी विल इक्वेट इट विद सम लैम्बडा, हम क्या करेंगे ईच रेशियो इक्वल टू लैम्बडा। अब नाउ व्हेन आई से ईच रेशियो इक्वल टू लैम्बडा, तो यहाँ से एक्स निकालना है क्योंकि एक्स ही जनरल पॉइंट है सर, है ना बच्चों, तो एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू ए लैम्बडा, एक्स बन जाता है ए लैम्बडा प्लस एक्स वन, तो ये जनरल पॉइंट हो गया।
हमें इक्वेशन पता होती है तो हमें ए पता होता है, एक्स वन पता होता है, ठीक है। प्लीज देखिएगा, है ना, जिसको एक और बार बता रहा हूं मैं, ये जो हमने लाइन देखी तो यहाँ पी पॉइंट क्या है बेटा, पी पॉइंट एक जनरल पॉइंट है एक्स वाई जेड, तो मुझे यहां से एक्स वाई जेड निकालना है। मैं कैसे निकालू एक्स वाई जेड, तो हम क्या कहते हैं कि तीन रेशियो इक्वल है, तो लेट ईच रेशियो इक्वल टू लैम्बडा, है ना, ईच रेशियो इक्वल टू लैम्बडा। तो यहां से सॉल्व करके जो एक्स आएगा है ना, वो हमारा जनरल पॉइंट होगा, करेक्ट। वैसे वाई के लिए भी करेंगे, तो वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू लैम्बडा, सॉल्व कर लो बच्चों इसको, तो वाई आ जाता है b lambda plus y1, and similarly z minus z1 by c lambda, तो z minus z1 is equal to c lambda, तो z क्या आ जाता है बच्चों, c lambda plus z1। तो I can say any point on the line or general point on the given line is nothing but a lambda plus x1, b lambda plus y1, and c lambda plus z1। a b c दिया होगा क्वेश्चन में, x1 y1 z1 भी दिया होगा क्वेश्चन में, सिर्फ lambda बदलेगा। जैसे जैसे लैम्डा बदलेगा पॉइंट ऑन द लाइन बदल जाएगा। कहानी समझ रही है ना आपको, सब बच्चों को, ठीक है। तीन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, मैं आखिर में नोट बताऊंगा आपको जब हो जाएगा सारा, कि आज की क्लास के जो नोट्स रहेंगे सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स। हाय देवेश, समझ रहा है बेटा, बहुत बढ़िया। यस अवेयर है ना, वेक्टर फिश स्टिच कर दिया हमने कल, एक्सरसाइज भी सॉल्व की थी, ठीक है। एक कॉम्पिटिशन, एक क्विज रखेंगे बस दो तीन दिन बाद, ठीक है बेटा। लाइन एंड प्लेन चल रहा है, ओके बच्चों। जनरल पॉइंट ऑन लाइन लिख लिया आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट तो है भाई बहुत, जो जो इंपॉर्टेंट है बस वही बता रहा हूं मैं फिलहाल तो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, तो ये हो गया पहला फॉर्म। एक और फॉर्म है हमारा इक्वेशन में, इसे कहते हैं टू पॉइंट फॉर्म। क्या कहते हैं इसको, टू पॉइंट फॉर्म। बच्चों इस बार जो है ना लाइन की इक्वेशन तो निकालनी है, लेकिन अब दो पॉइंट्स दिए हुए, बस क्या दिए हुए, दो पॉइंट्स। तो वी आर गिवन विद अ पॉइंट ए, लेट अस से ए बार वेक्टर है, एंड अ पॉइंट बी, इसका पोजिशन वेक्टर है बी बार। आपको इक्वेशन निकालनी है लाइन की, तो अगेन मैं क्या करूंगा, एक जनरल पॉइंट लूंगा पी। हमेशा इक्वेशन निकालते हैं तो हमें एक जनरल पॉइंट लेना है जिसको आर बार। एंड कैन यू सी फ्रॉम फिगर, ए बी इज पैरेलल टू ए पी। समझ आ रही है बच्चों बात, ए बी और ए पी क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है, करेक्ट है ना। मैं पहले ए पी लिख देता हूँ, देखो पैरेलल कहो कोलिनियर कहो एक ही बात होती है वेक्टर्स में, तो आई कैन से कि ए पी एंड ए बी आर कोलिनियर और पैरेलल। बच्चों AP will be equal to lambda times of AB. क्या मैं AP को ऐसे लिख सकता हूँ, R bar minus A bar is equal to lambda times of AB, क्या हो जाएगा B bar minus A bar, correct? Yes. Therefore R bar is equal to A bar plus lambda B bar minus A bar, right? This is Cartesian equation. क्या है ये, Cartesian equation है, sorry क्या है ये, vector equation। कौन सा equation, vector के form में लिखा है ना सर आपने, तो vector equation हो जाएगा ये, ठीक, वेक्टर इक्वेशन। तो बच्चों आप कहोगे सर लास्ट में, लास्ट टाइम भी ऐसे ही था, ए बार प्लस लैम्बडा बी बार था, बट लास्ट टाइम बी बार एक पूरा पैरेलल वेक्टर था, है ना, पैरेलल वेक्टर था। इस बार बी बार क्या है, एक पॉइंट ऑन द लाइन है, टू पॉइंट्स आर गिवन, है ना, टू पॉइंट्स आर गिवन, करेक्ट। तो अगर दो पॉइंट्स दिए तो हमारा इक्वेशन थोड़ा चेंज हो जाता है, आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा, यहां तक तो सेम है, बट बी बार माइनस ए बार हो जाता है। गॉट इट बच्चों, ओके, इजी है ना, काफी easy busy, right? यो बहुत बढ़िया, यस बच्चा बहुत इजी है ना, गुड, वेरी नाइस। आप बस सुन लो आराम से, है ना, तो आपको बहुत इजी इजी लगेगा सारा। डन है ना, अथर्व बोल रहा है डन, और बाकी लोग ठीक है, चलो अब इसी का कार्टेशियन इक्वेशन देखते हैं, इसी का कार्टेशियन इक्वेशन। बच्चों सेम बातें करेंगे हम, है ना, लेकिन क्या एक्स वाई जेड में, पहला पॉइंट ए विच इज एक्स वन वाई वन जेड वन, दूसरा पॉइंट बी विच इज एक्स टू वाई टू जेड टू, और एक पॉइंट जनरल लिया हमने विच इज एक्स वाई जेड। तो हमें पता है कि ए पी इज पैरेलल टू ए बी, तो इनके डिरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। ए पी के डिरेक्शन रेशियो क्या है, डिरेक्शन रेशियो ऑफ ए पी, इट विल बी नथिंग बट ए और पी पॉइंट को यूज करना पड़ेगा, तो एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन। ए बी के डिरेक्शन रेशियो क्या होंगे, ए और बी को यूज करोगे बच्चों आप, एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन। सिंस पैरेलल डिरेक्शंस विल बी प्रोपोर्शनल, है ना, प्रोपोर्शनल रहेंगे ना बच्चों, सो देयरफॉर इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, करेक्ट, एक्स टू माइनस एक्स वन इट इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन।
इट इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। आपको बताया टू पॉइंट फॉर्म ऐसा ही था, स्ट्रेट लाइन में भी, 2D के स्ट्रेट लाइन में भी ऐसा ही इक्वेशन था, तो वही आंसर आ रहा है। x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, z भी आ जाता है, z माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा टू पॉइंट फॉर्म आया है। कार्टेशियन में भी देख लिया हमने और वेक्टर में भी देख लिया हमने। ओके कंप्लीट कर लीजिए सारी थ्योरी, लिख लिया बेटा, वेरी नाइस। चलिए अब आखिरी बार एक नोट्स बना लेते हैं, है ना। ये नोट्स जो पूरा अभी तक पढ़ा है ना उसको सारा, मतलब हमारे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये काम आएगा नोट्स। पहला नोट है ना, इफ पॉइंट एंड पैरेलल वेक्टर इज गिवन, पैरेलल वेक्टर इज गिवन देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, सो वेक्टर इक्वेशन क्या है इसका, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैमड़ा बी बार। याद भी हो जाएगा है ना, लिखते भी रहिएगा। कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन क्या है बच्चों बोलो, कार्टेशियन इक्वेशन इज, कोई अनम्यूट करके बोलना चाहेगा, एनी वन ऑफ यू? तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या आता है, एक्स माइनस एक्स वन बाय ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाय बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाय सी, है ना बच्चों। ये पहला पॉइंट है हमारा। सेकेंड, अगर टू पॉइंट दिए बेटा, टू पॉइंट आर गिवन, अगर दो पॉइंट दिए बच्चों तो उसका वेक्टर इक्वेशन क्या आया था पता है आपको, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैमड़ा बी बार माइनस ए बार, एंड इसी का कार्टेशियन इक्वेशन क्या है, तो इसका कार्टेशियन इक्वेशन है एक्स माइनस एक्स वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाय वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाय, है ना, जेड टू माइनस जेड वन। जेड माइनस जेड वन बाय जेड टू माइनस जेड वन, राइट। ये हमारे दो है ना, सॉल्व करते हमारे बड़े काम आएंगे कुछ। ठीक है बच्चों, मैं लिख लिया दोनों पॉइंट्स, क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के वक्त यही काम आने वाले हैं। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट, जनरल पॉइंट के बारे में बात किए थे हमने, तो जनरल पॉइंट कैसे मिलेगा हमें, एनी पॉइंट ऑन लाइन, और जनरल पॉइंट कैसे मिलेगा, इक्वेशन लिखोगे एक्स माइनस एक्स वन बाई ए वाई माइनस वाई वन बाई बी जेड माइनस जेड वन बाई सी इक्वल टू लैमड़ा। तो सॉल्व करके क्या आया था बेटा, ये ए लैमड़ा प्लस एक्स वन, बी लैमड़ा प्लस वाई वन एंड सी लैमड़ा प्लस जेड वन, और दिस इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन। बस ये तीन कॉन्सेप्ट पढ़े, क्या सब बच्चों को ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी को कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत, एनी वन ऑफ यू? एकदम क्लियर, सब बच्चे एकदम क्लियर है ना, सारी इक्वेशंस याद हो चुकी है। एक दो बार साथ में इक्वेशंस बोलेंगे हम लोग, ठीक है। आप लोग अपने अपने रूम में अपने अपने घर पे बोलते रहिएगा, मैं भी यहाँ पे आपके साथ बोलूंगा, तो है ना, सब लोग बोलेंगे ना, एक दो बार याद कर लिया ना एक बार, अब चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी, बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस। तो अगर पॉइंट और पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है, तो पॉइंट और पैरेलल वेक्टर के वेक्टर इक्वेशन इज आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैमड़ा बी बार, है ना। एक और बोलेंगे सब लोग, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैमड़ा बी बार। कार्टेशियन इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस एक्स वन बाय ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाय बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाय सी। एक और बार बोलेंगे बच्चों, एक्स माइनस एक्स वन बाय ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाय बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाय सी। यहाँ पे एक्स वन वाई वन जेड वन इज पॉइंट ऑन द लाइन, एंड ए बी सी जो है डिरेक्शन है, पैरेलल वेक्टर या फिर डिरेक्शन ऑफ लाइन। फिर अगर टू पॉइंट दिए हैं तो इक्वेशन इज आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैमड़ा बी बार माइनस ए बार। ओके, कार्टेशियन इक्वेशन एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन is equal to y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to z minus z1 upon z2 minus z1। एक बार फिर से कार्टेशियन, x minus x1 upon x2 minus x1, y minus y1 upon y2 minus y1, z minus z1 upon z2 minus z1। ओके, फिर जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, तो सर इक्वल टू लैमड़ा कर दूंगा मैं, तो आया क्या फिर आखिरी में, a लैमड़ा प्लस x1, b लैमड़ा प्लस y1, c लैमड़ा प्लस z1। ओके, याद भी हो जाने चाहिए, है ना, हो गए होंगे याद, शायद बहुत सारे लोगों को याद हो गया होगा। चलो, वेरी नाइस, वेरी गुड। ओके, चलो अब ना हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो ये सारी ये थ्योरी हमने देख ली है ना, इक्वेशन ये वाला चीज देख लिया, सिर्फ एक बार कंफर्म कर लेते हैं स्लाइड्स में जो जो है, कार्टेशियन इक्वेशन भी देख लिया ना, प्रूफ भी है।
के टू पॉइंट फॉर्म भी देख लिया, देखो ये वाला इक्वेशन आया था हमारा राइट, फिर उसके बाद में ये वाला भी फॉर्म देख लिया, यस सारा चीज देख लिया सर हम लोगों ने। चलिए अब क्वेश्चंस देख लेते हैं फिर। ओके लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स बच्चा लोग, वेरी नाइस है ना, एक ताली है आप लोगों के लिए, वेल वेल डन सो फार, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, नाइस वर्क चैंपियंस। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर। बच्चों पॉइंट दिया हुआ है हमें, लाइन की इक्वेशन जब भी निकालनी हो, एक एक आखिरी बात करते हैं हम लोग ना, जब भी हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी हो, अगर हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो हमें पॉइंट दे दीजिए एंड पैरेलल वेक्टर दे दीजिए तो हम निकाल लेंगे, या फिर दो पॉइंट दे दीजिए, ये याद रखिएगा ना, या फिर दो पॉइंट्स दे दीजिए ठीक है, क्योंकि हम हमारे फॉर्म्स को यूज कर पाएंगे। तो इस बार क्या बोला गया, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। सर पॉइंट दिया हुआ है मतलब ए बार हमारा दिया हुआ है, पॉइंट मतलब ए बार ठीक है बच्चों, गिवन गिवन लिखता हूं मैं, गिवन पॉइंट दिया मतलब ए बार इज गिवन, ए बार क्या है 4i - j + 2k एंड पैरेलल टू वेक्टर, पैरेलल वेक्टर मतलब बेटा वेक्टर बी दिया हुआ है आपको 2i - this + k। तो अब हमें एक पॉइंट और एक वेक्टर दिया है, तो देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या होती है बेटा बताएंगे, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी जब आपको एक पॉइंट और एक वेक्टर दिया है पैरेलल। यस एज वेरी नाइस, और कोई आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, वेरी नाइस कोमल, तो बस लिखना है अब, तो देयरफॉर इक्वेशन बिकम्स आर बार, ए बार की जगह क्या आएगा 4i - j + 2k जो पॉइंट है ए बार, प्लस लैम्बडा बी बार की जगह क्या आएगा -2i - j + k प्लस के, इसको और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये हो गया हमारा द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन बस। तो वेरी क्यूईडी राइट, यस क्यूईडी, इतना आराम से हमने कर लिया ठीक है। यस बच्चों देखिए एक बार आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग, क्या बोला है क्वेश्चन में आपको, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर। तो पासिंग थ्रू पॉइंट बोला है, तो पॉइंट बोलते से हमें क्या समझ में आया सर, ए बार दिया हुआ है हमें, तो ए बार इज 4i - j + 2k ये गिवन में आ जाएगा, एंड पैरेलल टू वेक्टर, तो एक वेक्टर पैरेलल दिया हुआ है बेटा तो बी बार दिया हुआ है, और हमने पढ़ा है कि वेक्टर इक्वेशन क्या होती है आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, तो ए बार की जगह हमने वो रख दिया जो पॉइंट दिया हुआ है, और बी बार की जगह रख दिया जो पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू, बड़े आराम से समझ में आया है, गुड बच्चों सॉल्व करते रहिएगा है ना, आप अपने अपने किताबों में सॉल्व करना बहुत जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रैक्टिस अलॉन्ग विथ मी, अगर प्रैक्टिस नहीं होगा तो फिर ना मार्क्स वगैरह मिलना मुश्किल हो जाएगा, तो काइंडली प्रैक्टिस ऑल ऑफ यू ठीक है। क्या लिख लिया होगा, नेक्स्ट करें, यस देवेश बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है बच्चा ये, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स। अब देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर, तो ये क्या है बेटा, क्या है ये, एक पॉइंट है जिसको हम क्या लिखते हैं ए बार राइट है ना, वेरी नाइस, तो हमें ए मतलब एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट हमारा क्या है 2i + 3j - k 2i + j - 3k ठीक है, तो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर। ओके बच्चों तो ये बात होगी, तो हमारा पॉइंट दिया हुआ है सर, अब हमें क्या चाहिए पैरेलल वेक्टर चाहिए, पर हमें पैरेलल वेक्टर ना देते हुए क्या बोला है पता है, परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स, तो अवर लाइन इज परपेंडिकुलर टू ओके नहीं बेटा, दोनों से परपेंडिकुलर है हमारी लाइन, किससे, पहले वेक्टर से भी परपेंडिकुलर है, लेट्स कॉल द फर्स्ट वेक्टर एज बी वेक्टर, सेकंड नेक्स्ट वेक्टर एज सी वेक्टर, तो बेटा लाइन जो है वो बी वेक्टर से भी परपेंडिकुलर है और लाइन जो है वो सी वेक्टर से भी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये हुआ कि लाइन से जो पैरेलल वेक्टर होगा वो क्या होगा बी क्रॉस सी, दोनों से परपेंडिकुलर हमने अभी भी क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था ना, वो कैसा वेक्टर होता है क्रॉस प्रोडक्ट वाला वेक्टर होता है राइट, वेरी नाइस समीप, सभी बच्चे समझिए, जब भी कोई वेक्टर आपको निकालना हो जो दो वेक्टर से परपेंडिकुलर हो, दैट विल बी नथिंग बट क्रॉस, याद है आपको ये बात, ए बी और ए क्रॉस बी कैसा होता था, ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी होता था, हमने 2-3 दिन पहले ही पढ़ा है ये बात करेक्ट, तो हमारी लाइन से पैरेलल वेक्टर कौन सा होगा
बी क्रॉस सी होगा। वेरी नाइस श्रेयोशी, गुड। तो ये बी क्रॉस सी कैसे निकालना है, बी क्रॉस सी कैसे निकालना है, डिटर्मिनेंट की हेल्प से। आई जे के बी वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या है, 1 1 1, ओके। और सी वेक्टर के क्या बेटा, 1 2 -1। हम सबको ये सॉल्व करते आना चाहिए, आता है तो -3 आए, बताइएगा आप क्या होता है फिर ये पूरा। -3 आए मैंने बता दिया, अब आप बताओ और क्या आ रहा है आगे। विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। जे में कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, जे में क्या आ रहा है, वेरी नाइस, +2j, यस। और के लिए क्या आएगा, प्लस के, वेरी नाइस, गुड। नहीं, ओनली 1 क्या आ रहा है, यस बेटा, ऐसे। तो ये पैरेलल वेक्टर हो गया, क्या हो गया, ये पैरेलल वेक्टर हो गया, ठीक है, ये पैरेलल वेक्टर हो गया। तो देयरफॉर नाउ वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन जो चाहिए हमको इज आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। बी बार आप कैपिटल बी बार ले लो, राइट। सो ऐसे हो जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू ए बार, तो पता है मुझे क्या है, 2i + j - 3k, तो दिया हुआ था, प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ ये जो आया हमारा -3i + 2j + k, दिस इज आवर आंसर। समझ गए, अच्छा क्वेश्चन था ना ये। परपेंडिकुलर लाइन जो थी हमारी वो दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर थी, इसका मतलब लाइन इज पैरेलल, है ना, लाइन इज पैरेलल टू बी क्रॉस सी, उनके क्रॉस प्रोडक्ट से पैरेलल रहेगी, हमें पैरेलल वेक्टर ही चाहिए होता है। गॉट इट ऑल ऑफ यू, ऐसा कोई है जिसको नहीं समझ में आ रहा है, ये लिखते रहिएगा सॉल्व करते रहिएगा। अच्छा मैं सॉल्व एग्जांपल्स करा रहा हूँ पहले पहले, बाद में एक्सरसाइज भी करेंगे, बट सॉल्व एग्जांपल्स आर मोर इम्पोर्टेंट, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा आप, सॉल्व एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस गुड, वेरी नाइस ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, इज एनीवन राइटिंग स्टिल, कोई लिख रहा है तो बोलिए, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो गुड हो गया ना, बहुत बढ़िया, ये सॉल्यूशन दिया हुआ है उसका। चलिए, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए और बी, दो पॉइंट्स दिए, तो कौन सा फॉर्म यूज करना पड़ेगा बच्चों, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो कौन सा फॉर्म पॉइंट यूज करना पड़ेगा, यूजिंग, वेरी नाइस, टू पॉइंट फॉर्म, क्या था टू पॉइंट फॉर्म, x - x1 / x2 - x1, y - y1 / y2 - y1, z - z1 / z2 - z1। बच्चों जो पहला पॉइंट है उसको हम x1 y1 z1 ले लेते हैं, दूसरा जो है b उसको x2 y2 z2 ले लेते हैं, सब्स्टिट्यूट करें तो x - x1, देखो आप x1 क्या है, 1, नीचे क्या आएगा x2 - x1 मतलब 2 - 1, y1 क्या है 2 और नीचे क्या आएगा 3 - 2, z1 क्या है 3 और नीचे क्या आएगा 4 - 3। समझ गई बात सबको, ओके। तो इसको सॉल्व करा अगर हमने तो क्या मिला, x - 1/1, y - 2/1 एंड z - 3/1। Therefore, I can say the required equation is x - 1 = y - 2 = z - 3. And niche 1 1 1 hai. This is our answer. What do you say again? QED. Hooray. Right? Okay. So, 2 points diye the sir. So, take 2 points from that is all. Nothing else. Oh, achha, tarva. Yes. So, it's QED. Information kya diye na? Us hisab se hi kaam karna hai. भाई इन्होंने बोल दिया कि दो पॉइंट्स है आपके पास, सो लेट्स गो विद 2 पॉइंट फ्रॉम देम, गुड, वेरी नाइस ऑल ऑफ यू, कैन यू फिनिश्ड, ओके, गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन देन। अच्छा देखो इक्वेशन हमने जो निकाली अभी, तो एक्सरसाइज 7.1 सॉरी एक्सरसाइज 6.1 में 11 क्वेश्चन है बच्चों, राइट, देखिए ऐसे 10-11 क्वेश्चन है बहुत सारे, तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे अल्टरनेट, विल सॉल्व अल्टरनेट क्वेश्चन, ठीक है, अल्टरनेट क्वेश्चन करेंगे, और जो बचेगा मैं आप में से कुछ लोगों को होमवर्क दूंगा जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, फिर आप में से कुछ बच्चे जो है वो पोस्ट कर सकते हैं अपने अपना वर्क, राइट, IMP वाले करेंगे बेटा हमित, वेरी नाइस, ओके। तो एक्सरसाइज 6.1 हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, सो लेट्स बिगिन नाउ, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1, चलिए ट्राई करेंगे हम सब। वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर, बेटा पोजीशन वेक्टर दिया है मतलब क्या दिया है, ए या बी,
व्हाट इज गिवन टू अस, बोलिए। वेरी नाइस, तो गिवन इज ए बार माइनस टू आई प्लस जे प्लस के, एंड पैरेलल वेक्टर मतलब बी वेक्टर, फोर आई माइनस जे प्लस टू के। क्या होता है वेक्टर इक्वेशन? वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार। ठीक है, ए बार की जगह पे क्या लिखोगे आप? माइनस टू आई प्लस जे प्लस के प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, बी बार की जगह लिखोगे आप फोर आई माइनस जे प्लस टू के, एंड दिस इज आवर आंसर। वेक्टर इक्वेशन बोला था हमने, वेक्टर इक्वेशन में ला लिया। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। टू मार्क्स क्वेश्चन अगर है तो ये भूलिएगा नहीं, आपकी ये सब लिखना पड़ेगा आपको, यूजिंग ये सारे फॉर्म्स वगैरह वगैरह फॉर्मूले सब लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं लिख सकते आप। टू मार्क्स के लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, गिवन वगैरह वगैरह से। बहुत ईजी है बेटा ना, बहुत ईजी है। वेरी नाइस देवेश। ठीक है, चलिए थोड़ा फटाफट करिएगा, है ना, लिख लिया अगर तो बताइएगा। ओके नाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड ए वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज। बेटा वेक्टर इक्वेशन निकालनी है आपको, है ना, तो हैविंग पोजीशन वेक्टर मतलब पहला क्या दिया है, ए बार, पोजीशन वेक्टर मतलब ए बार, 5y plus 4j plus 3k, and having direction ratio, अगर direction ratio दिया तो बेटा parallel vector निकाल सकता हूँ मैं। direction ratio का ही जो components मिला के बनता है वो क्या है, parallel vector है ना, 3i plus 4j plus 2k, समझ में आई बात ही आपके। b bar direct ना देते हुए, b bar direct ना देते हुए क्या दिया है हमको, direction ratio दिया है। तो हमने पढ़ा ना direction ratio के components मतलब यही होता है जिससे ज्यादा vector, सही है। तो यूजिंग वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार। तो ए बार मतलब 5y प्लस 4j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ माइनस 3i प्लस 4j प्लस 2k, दिस इज नथिंग बट आर बार, दिस इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर है अगेन, है ना, QED। सर बहुत ही आसान आसान टॉपिक है ये तो, यस ये टॉपिक ऐसा ही है, बस आपको फॉर्मूलेज थोड़े क्लियर हो कि कब कैसे, है ना, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, अदरवाइज यस ये बहुत सिंपल सिंपल है। यू हैव टू रीड इट ट्वाइस थ्राइस टू अंडरस्टैंड विच फॉर्मूला वी हैव टू अप्लाई। आई एम पी भी है ये टॉपिक, वैसे ही आई एम पी है। कुछ बच्चों ने बोला है वन मोर टाइम, देखो बेटा हमें क्या बोला है, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर। पासिंग थ्रू पॉइंट मतलब ए बार मिल गया बेटा हमको, पासिंग थ्रू पॉइंट बोलते से हमें क्या मिला, ये ए बार है, करेक्ट, एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो, किसका डायरेक्शन रेशियो, ये लाइन का, लाइन का डायरेक्शन रेशियो मतलब उसके पैरेलल वेक्टर का। तो बी बार हमें पता चल गया, और ए बार बी बार पता चल गया बेटा, तो हमें इक्वेशन पता है ए बार प्लस लैम्डा बी बार, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया फिर। ठीक है, तो जिसको भी चाहिए था एक और बार हमने बता दिया है। वेरी नाइस एवरीवन, गुड वर्क। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर। बच्चों पासिंग थ्रू द पॉइंट मतलब ए बार दिया है ना हमको, माइनस आई माइनस जे प्लस टू के, एंड पैरेलल टू द लाइन, राइट, हमारी जो लाइन है वो किसी और लाइन से पैरेलल है। हमको जो लाइन चाहिए वो ग्रीन कलर की है, वो ब्लू कलर की लाइन से पैरेलल है, समझ रहे हो, ब्लू कलर की लाइन से क्या है, पैरेलल है, यस। तो बच्चों जो ब्लू कलर की लाइन है उसका इक्वेशन देख रहे हो आप, अब आपने इक्वेशन देखा तो ये क्या होता है, उसके ऊपर पॉइंट होता है और ये पैरेलल वेक्टर होता है। बच्चों ब्लू कलर की लाइन से जो पैरेलल वेक्टर है वो कैसा है, 3i plus 2j plus k है, बात समझ रही है आपको। ब्लू कलर के लाइन से जो पैरेलल वेक्टर है वो कैसा है, लैम्बडा के साथ जो होता है ना वो पैरेलल वेक्टर होता है, सब लोग समझते ना बात, लैम्बडा के साथ जो होता है वो हमेशा क्या होता है, वेक्टर भी होता है, करेक्ट। तो अब देखो ब्लू कलर के साथ ब्लू वाला वेक्टर पैरेलल है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि सारे तीनों एक दूसरे से पैरेलल है, क्या कहते हो, ये तीनों ही एक दूसरे से पैरेलल है ना, दोनों लाइंस और ये नया वेक्टर जो हमने किया, तो कहना है कि हमारी लाइन से पैरेलल वेक्टर विल बी नथिंग बट द सेम वेक्टर, 3i plus 2j plus k, राइट, यस। तो वेक्टर पता है, पॉइंट पता है, तो हम कह सकते हैं यूजिंग वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन,
वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि लैम्ब्रा के साथ जो होते हैं ना कंपोनेंट्स वही पैरेलल वेक्टर दिखाते हैं. तो आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्ब्रा बी बार. तो ए बार की जगह आपने लिख दिया माइनस आई माइनस जे, ओके, प्लस टू के प्लस लैम्ब्रा टाइम्स ऑफ 3i प्लस 2j प्लस के. सर लैम्ब्रा ही लिखेंगे क्या हमेशा? जरूरी नहीं है, यू कैन ऑल्सो राइट टी, कोई और, मैं म्यू लिख लेता हूँ. जरूरी नहीं बच्चों कि लैम्ब्रा ही आएगा, बस स्केलर मल्टीपल दिखाना है आपको, तो आप टी एस म्यू कुछ भी लग सकते हो. मैंने इस बार म्यू ले लिया. गॉट इट ऑल ऑफ यू? पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या कि डायरेक्शंस दोनों के सेम होंगे, पैरेलल वेक्टर का मतलब है. और ध्यान ध्यान से देखिएगा, ध्यान ध्यान से करिएगा. यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग बच्चों, है ना, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग. हैट्स ऑफ टू यू ऑल, बहुत अच्छे, गुड वर्क. गॉट इट? वेरी नाइस. ठीक है, चलो और करते हैं फिर. नेक्स्ट, फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स. करोगे, करना चाहोगे तो करिए, और बताइए मुझे कि एक्स माइनस क्या आता है, अपॉन क्या आता है, वगैरह वगैरह. दो पॉइंट्स दिए ना बच्चों, तो क्या यूज करोगे आप, कौन सा फॉर्म यूजिंग? क्या टू पॉइंट फॉर्म? वेरी नाइस, ओके, यस बच्चों, यूजिंग टू पॉइंट फॉर्म. पर फॉर्मूला लिखना है आपको, ओरली कर सकते हैं. एग्जैक्टली बच्चा, फॉर्मूला लिखना है आपको. हमेशा बोर्ड में लिखने का तरीका क्या है, ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि क्या यूज करने वाले हो. y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन एंड z माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन. ये एक्स वन वाई वन जेड वन पहला पॉइंट है और एक्स टू वाई टू जेड टू सेकेंड पॉइंट है बच्चों. तो लिखेंगे अब ये क्या, x माइनस टू अपॉन वन माइनस टू, वाई माइनस टू अपॉन थ्री माइनस टू, जेड माइनस वन अपॉन जीरो माइनस वन. तो देर फॉर द इक्वेशन कम्स आउट टू बी लाइक दिस. इक्वेशन जो है वो क्या बनती है, एक्स माइनस टू बाय माइनस वन इज इक्वल टू y माइनस टू बाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस वन बाय माइनस वन. विल कीप इट एज इट इज, है ना. आपको मल्टीप्लाई करना है माइनस से कर सकते हो, एज इट इज भी रख सकते हो. दिस इज आवर आंसर, टू पॉइंट फॉर्म. लेट सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना है और एक्स वन वाई वन जेड वन और एक्स टू वाई टू जेड टू की जगह पे, यस, एज अथर्व सेड, दिस इज टू इजी, है ना. ओरली भी कर सकते हैं सर हम, करेक्ट बोल रहे हो. ठीक है, लिखते रहिएगा. हो गया सब लोगों का, वेरी नाइस, गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन देन. Show that the lines intersect each other. Find the coordinates of their point of intersection. Show करना है कि lines intersect करते हैं. क्या लगता है क्या होना चाहिए theory हमारा? Lines दो जो दी है वो intersect कर रहे हैं, ये बताना है मुझे. What do you think, कुछ theory क्या होगा? देखो ये पहली line है, okay, और एक और line लेते हैं, ये दूसरी line है. ये दोनों intersect कर रहे हैं at some point P. ये प्रूव करना है पहले, और फिर वो इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालना है. देखो बच्चों, जो भी हो, कैन आई से दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी इज ऑन लाइन फर्स्ट एक्स प्लस वन बाय माइनस टेन, वाई प्लस थ्री बाय माइनस वन एंड जेड माइनस फोर बाय वन. क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं कि ये जो है पॉइंट पी, ये पहले लाइन पे है? और बच्चों अगर पहले लाइन पे, तो पहले लाइन पे जनरल पॉइंट क्या होता है, लैम्ब्रा से इक्वेट कर दोगे. तो इट इज माइनस टेन लैमड़ा माइनस वन. समझ में आ रही है बात, माइनस टेन लैमड़ा माइनस वन क्यों और कैसे आया बच्चों, जो फटाफट बताइए, समझ में आ रहा है या नहीं, है ना. माइनस टेन लैमड़ा माइनस वन कैसे आया, ऑल ऑफ यू पता है ना? ओके, या तो ग्रीन बटन दबा दीजिए या फिर, है ना, इक्वल टू लैमड़ा लेके, है ना, इक्वल टू लैमड़ा लेके आया. वेरी नाइट, वेरी राइट, ओके, नाइस. वैसे वाई कंपोनेंट क्या आएगा बच्चों, माइनस लैम्ब्रा माइनस थ्री और जेड लैम्ब्रा प्लस फोर. ये पी पॉइंट हुआ जो कि लाइन वन पे. बच्चों आप मेरी एक और बात मानोगे, पी जो है ना सर, वो दूसरी लाइन पे भी है, इज ऑन अनदर लाइन. कौन सी? एक्स प्लस टेन बाय माइनस वन, वाई प्लस वन बाय माइनस थ्री, जेड माइनस वन बाय फोर. अगर ये दूसरी लाइन पे भी है बच्चों, तो इसका भी जनरल पॉइंट लेंगे. इक्वल टू लैम्ब्रा ना करते हुए इस बार क्या करेंगे, कुछ और म्यू करेंगे. तो क्या आएगा, माइनस म्यू माइनस टेन, माइनस थ्री म्यू माइनस वन, फोर म्यू प्लस वन. ठीक है, फोर म्यू प्लस वन.
ये भी पी पॉइंट है, यस है ना, बहुत बढ़िया श्रेयोशी। अब देखो, हाँ एग्जैक्टली, अब दोनों के पी पॉइंट मिल गए बच्चों हमें। तो नाउ नाउ फॉर फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इफ पी पी टू बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर बच्चों ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो ये दोनों एक ही रहेगा ना पॉइंट, जो हमने दोनों अलग अलग पॉइंट निकाले थे फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन पे, सर वो सेम होने चाहिए, करेक्ट बच्चों? हाँ वेरी नाइस गुड, तो वो सेम होने चाहिए। तो -10 लैम्डा -1 इज इक्वल टू -u + -u -10, राइट? ऐसे मिला है मुझे, समझ गया आपको? फिर वैसे -λ -3 इज इक्वल टू -λ -3 इज इक्वल टू -3μ -1, गॉट इट? ये दोनों भी इक्वल रहेंगे, दोनों के एक्स कंपोनेंट इक्वल करोगे, दोनों के वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट भी, λ + 4 4μ, राइट? +1, ठीक है। तो λ + 4 एंड 4μ + 1, तो तीन इक्वेशंस, दो अननोन सॉल्व करने हैं। लेट से इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को, राइट? इन दोनों को अगर हमने ऐड किया बच्चों, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ, जस्ट ऐड करो, ऐड करोगे तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये 1 इज इक्वल टू दिस इज म्यू, राइट? तो म्यू का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया सर, म्यू का वैल्यू 1 आया। अच्छा, म्यू का वैल्यू 1 किसी में भी रखो यहाँ पे, है ना, कोई भी इक्वेशन में रखो तो आपको लैमड़ा भी 1 मिलता है, ठीक है? लैमड़ा भी क्या मिलता है बच्चों, 1 मिलता है। एंड 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 आपने तो ये दोनों सॉल्व कौन से किए, दो इक्वेशंस किए, तो जस्ट पुट म्यू इक्वल टू 1 एंड लैमड़ा इक्वल टू 1 इन थर्ड, जो ये इक्वेशन है पहला 1, हमने सिर्फ सेकंड थर्ड इक्वेशन सॉल्व किया ना, इन इक्वेशन 1 विल पुट, बिकॉज व्हाइल सॉल्विंग वी हैव यूज सेकंड थर्ड इक्वेशन, राइट बच्चों? तो 1 में अगर मैंने पुट किया तो LHS क्या आता है, देखिए -11 आता है, और RHS क्या आता है, -11, तो LHS इज इक्वल टू RHS, तो देयरफॉर कंसिस्टेंट है ना, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करता है ना, यानी कि लाइन इंटरसेक्ट्स, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? लाइन इंटरसेक्ट कब करेगा ना बच्चों, लाइन इंटरसेक्ट कब करेगा, जब ये जो कॉन्स्टेंट हमने निकाले लैमड़ा और म्यू, वो तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके, मतलब सेटिस्फाई करेंगे। हमने लैमड़ा और म्यू सिर्फ दो इक्वेशन से निकाली थी, वो थर्ड को भी सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो लाइन इंटरसेक्ट कर गए, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लैमड़ा और म्यू दोनों ही 1 1 है सर, तो वो क्या था, -10λ - 1, ठीक है, -λ - 3 और λ + 4, ऐसे कुछ था ना, देखिए अच्छे से, यस यही था। तो अब लैमड़ा को 1 रख दोगे, ओके, लैमड़ा को 1 रखा आपने, तो आपको क्या मिल जाता है फिर, -11 -4 एंड 5, तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज -11 -4 -5 + 5। एक बार फ्लो देखेंगे, हमें कहा गया है शो दैट द लाइंस इंटरसेक्ट विद ईच अदर एंड आल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है? तो हमने क्या कहा कि एक डायग्राम निकाल के दिखाया मैंने, मैंने बोला पी जो है वो पॉइंट लाइन 1 पे भी है और पी जो है वो ग्रीन वाली लाइन पे भी है, तो दोनों लाइन पे तो दोनों के जनरल पॉइंट निकाले, और जनरल पॉइंट निकालने के बाद में इंटरसेक्शन होना मतलब कि वो दोनों ही पॉइंट सेम पॉइंट होने वाले हैं, तो हमने क्या किया, दोनों के एक्स कंपोनेंट को इक्वेट किया, दोनों के वाई कंपोनेंट को इक्वेट किया, दोनों के जेड कंपोनेंट को, तो हमें तीन इक्वेशन मिली। कोई भी दो इक्वेशन को यूज करके आप लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालेंगे, तो मैंने निकाला 1 1 मिला, और वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है चेक करेंगे, सेटिस्फाई कर गया, जैसे कि हमें LHS और RHS इक्वल मिला, तो देयरफॉर लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, ये प्रूफ हो गया हमारा, ओके, लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, और लाइन इंटरसेक्ट करने के बाद में वो λ1 या μ1 डालोगे तो यू विल गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बच्चों कर लिया, लिख लिया सब लोगों ने साथ साथ मेरे, तो सब लोग लिख रहे हैं ना साथ साथ मेरे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, क्यों नहीं, कौन सा स्क्रीनशॉट लेना है बेटा, पहले पहले इससे लेना है इस क्वेश्चन का, ये ले लो, ये स्टार्टिंग है, ले लो अमित, क्यों नहीं, नोट्स मिलते हैं ना आफ्टर क्लास, यस ठीक है, आप डाउनलोड कर सकते हो नोट्स वगैरह, तो पर जो मैंने हाथ से लिखा है ना बेटा, वो निकिता आपको खुद ही है ना स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, कि जो हाथ से लिखा है वो सब चीजें आपको चाहिए तो अभी भी आप आखिरी में ले सकते हो स्क्रीनशॉट्स, राइट? हो गया ना, वेरी नाइस, यस। तो बच्चों देखो हमने कौन कौन से क्वेश्चन किए, 6.1 में 10 क्वेश्चन थे, वी हैव सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, यस अथर्व, सेवेंथ कर लिया, नाइन्थ कर लिया,
इतने क्वेश्चन कर लिए हमने 10 में से, 10 में से इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं। अच्छा अब कौन कौन करना चाहेगा, कौन सेकंड क्वेश्चन करना चाहेगा? आपको सेकंड क्वेश्चन करना है और टेलीग्राम चैनल पे क्या करना है, पोस्ट करना है इसके सॉल्यूशंस। ओके सेकंड क्वेश्चन एजे कर रहा है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन कौन करना चाह रहा है, फोर्थ फोर्थ कौन करना चाह रहा है? अथर्व, अथर्व देशमुख, ठीक है। सिक्स्थ हमित करेगा ना, सिक्स्थ, ठीक है हमित। ओके एट्थ देवेश करेगा, देवेश श्रेयोशी बोध, है ना, एट्थ क्वेश्चन, ठीक है। दो लोग कर लो एट्थ क्वेश्चन। एंड टेंथ क्वेश्चन समीप ने कहा था, निकिता भी करोगे, ठीक है। तो समीप निकिता, ठीक, तो वेरी नाइस, है ना, ट्राई करिएगा। और वैसे तो पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, फिर सब लोग ही ट्राई करिएगा, बट ये लोग सॉल्यूशंस भेजेंगे, ठीक है। तो 1, 3, 5, 7, 9 ये तो हमने कर लिया, ओके। और ये क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं बच्चों। तो सबको सारी चीजें समझ में आई अच्छे से? तो आर वी ऑल क्लियर? एक बार जाते जाते एक बार रिवाइज कर ले चीजों को। चलो एक बार आखिरी बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। इक्वेशंस की बारी। सर अगर आपने पॉइंट और पैरेलल वेक्टर दिया हो, पॉइंट एंड पैरेलल वेक्टर दिया हो, पैरेलल वेक्टर, तो मैं क्या करूंगा, वेक्टर इक्वेशन यूज कर सकता हूं। और वेक्टर इक्वेशन क्या है, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। इसी का कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है, कार्टेशियन इक्वेशन इज एक्स माइनस एक्स वन बाय ए, वाई माइनस वाई वन बाय बी, जेड माइनस जेड वन बाय सी। ओके सर, टू पॉइंट अगर दिए हुए हैं, टू पॉइंट फॉर्म यूज करूंगा मैं, है ना। तो वो क्या था कि सर वेक्टर इक्वेशन था आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार माइनस ए बार, और कार्टेशियन है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन, ठीक है। ये हमारा, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म है। फिर सर अगर जनरल पॉइंट लिखना हो तो थर्ड पॉइंट, जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, देखा जनरल पॉइंट को कैसे यूज किया हम लोगों ने आखिरी क्वेश्चन में। जनरल पॉइंट को इक्वेशन जो होती है ना उसको लैम्बडा से इक्वेट कर दो, बस जो भी लाइन की इक्वेशन होती है वो लैम्बडा से इक्वेट हो जाएगी। तो यहाँ से एक्स वाई जेड निकालोगे, तो ए लैम्बडा प्लस एक्स वन, बी लैम्बडा प्लस वाई वन, सी लैम्बडा प्लस जेड वन, राइट ना, यस, है ना। कोई ए वन पॉइंट फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म, कोई भी पॉइंट फॉर्म लो, राइट, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करना है, राइट, दिस इज हाउ वी सॉल्व। तो वेरी वेरी इजी सेशन, आई होप आप सबको मजा आया, और हमने एक्सरसाइज 6.1 भी कंप्लीट कर लिया है। तो कल हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे, एक्सरसाइज 6.2। सब लोग आइएगा कल 6 PM शार्प, ठीक है। तो सिक्स, और इसके अलावा स्टार क्वेश्चन मिलेगा आपको। आप सब लोग, आई होप सब लोगों ने नून अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर रखा है, आप ऐप में पढ़ रहे हो ना, ऐप स्टोर से ऐप में पढ़िएगा। हाँ एजे है ना, लेंगे ना हम लोग उसके बाद, बोर्ड्स के बाद, यस। ओके तो सी यू अगेन टुमारो एट 6 PM, स्टार क्वेश्चन आएगा इन 5-10 मिनट्स, ट्राई टू सॉल्व दैट। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर ऑल ऑफ यू, ठीक है। यस, लैपटॉप में होता नहीं हमें, ये पता नहीं मुझे। बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय, टेक केयर। निकिता आते रहना रोज बेटा, टाटा।